फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, सो चलिए करते हैं मॉर्निंग का वर्क। यहाँ पे गोविंद स्टार्ट करने लगा है, थोड़ा सा वो भी काम में हाथ बटाता है। नंदिनी भी आ गई है, उसको देख रही है क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तो दोनों थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं काम करने में, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि छोटेपन में बच्चों को जो हम सिखाते हैं तो उनको हैबिट हो जाती है। थोड़ा थोड़ा मैं बोलती हूँ, थोड़ा सा ही हाथ बटाओ, क्योंकि अच्छा भी रहता है बच्चों के हिसाब से काम करना। थोड़ा थोड़ा मैं करवा लेती हूँ, नंदिनी भी कर रही है, गोविंद भी देखो बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई कर रहा है। वो बहुत वीक है, पर क्या है, थोड़ा सा मैं उसको बोल देती हूँ किया कर बाबू, पर ज़्यादा उसे मैं मना कर रही थी नहीं उठाओ, ज़्यादा वेट नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हम आ गए किचन में, किचन पूरा बिखरा हुआ था। नंदिनी ने बोला मम्मी मैं आपको हेल्प करवा रही हूँ, तो थोड़ी वो भी करवाने लगी थी मेरी हेल्प। बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, साथ में मिलके। स्कूल जाते तो मुझे पूरा घर खाली खाली लगता है, और साथ में काम करते तो मेरा काम बढ़ा भी देते हैं कि मम्मी ये दो ये दो, थोड़ा सा काम बढ़ा देते हैं वो। नंदिनी थोड़ा सा साफ सफाई कर रही थी प्लेटफॉर्म की, और गोविंद बोल रहा था लड्डू दो मम्मी लड्डू दो पानी दो, बीच बीच में आता रहता है, कुछ भी कुछ मांगता रहता है, मुरमुरे दो, उसका लगा ही रहता है कि मम्मी काम में मुझे रखता है वो। अभी मैं यहाँ बर्तन मांज रही हूँ, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। कभी हम रात में नहीं मांज पाती हूँ तो सवेरे बहुत ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, और रात के बर्तन प्लस ब्रेकफास्ट के बर्तन दोनों ही साथ में बहुत टाइम लगता है मुझे मांजने के लिए, आधे घंटे में हो जाते हैं बर्तन। यहाँ पे मैं आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने, तो मुझे यहाँ पे दाल फ्राई बनानी है। दाल मैंने सवेरे उबाल के रख दी थी, अभी बस फ्राई करनी थी तो मैंने फ्राई कर दी। उसके साथ मैं चपाती बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता किया था, उनको भूख नहीं लग रही थी, करीब 2 बजे थे, तो उनको मैंने खाना ये बना के खिला दिया था। यहाँ पे शाम का समय हो गया है, 6 बज गए, तो अभी मैं दूध बना रही हूँ बच्चों के लिए बोर्नवीटा, और मैं खुद भी बोर्नवीटा पीती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। चाय मैं नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती है। हस्बैंड को चाय अच्छी लगती तो उनके लिए बनाती हूँ, तो फिर मैं थोड़े बच्चे भी बोलते हैं मम्मी हमको भी दो हमको भी दो, तो बच्चों को कभी कभी बच्चे भी थोड़ी चाय पी लेते हैं। अभी यहाँ पे नंदिनी गोविंद बैठ गए हैं, अपनी गाड़ी के साथ खेल रहे हैं वो। यहाँ पे नंदिनी और गोविंद बैठे हैं, वो बोर्नवीटा पी रहे हैं, और नंदिनी सामने आ गई थी कैमरा के। बाद में मैं भी आ गई थी, थोड़ी बोर्नवीटा पी ली थी मैंने भी। इसके बाद अभी मैं पूजा करने आ गई हूँ, शाम की संध्या करने आ गई हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है शाम को पूजा करना, मॉर्निंग में भी मैं कर लेती हूँ पर कभी कभी नहीं हो पाती है। शाम को तो कंपलसरी ही रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों में कभी कभी मॉर्निंग में नहीं हो पाता है मेरी पूजा। अभी मैं तुलसी को दीपक लगा रही हूँ, और मैं मटके के यहाँ भी दीपक जलाती हूँ। मैं शाम को 4 जगह दीपक जलाती हूँ, एक मंदिर में, एक शमी का वृक्ष में, और यहाँ एक मटके के सामने। अभी नंदिनी बैठी है, अभी नंदिनी गायत्री मंत्र रोज उच्चारण करती है और नमस्कार करती है। अभी भी थोड़े दिनों के बाद नंदिनी को ये दीपक भी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारी पूजा हो चुकी है
और नंदिनी की भी पूजा हो चुकी है, वो भी स्टडी कर रही है, तो कल उसका एग्जाम है तो मुझे इसको पढ़ाना है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑल ऑफ यू। चलिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले।